तो दोस्तों ये जो मेरे पास ये वाला जो फ़ोन है इसके साथ इसका मैंने हॉटस्पॉट जो है ऑन किया हुआ है, तो इसका नेट जो है इसमें चल रहा है वाईफाई के थ्रू, ठीक है। तो जब मैं इसको इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो ये आ रहा है 7.0 टेम्परेरी फोन, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये जो प्रॉब्लम आ रही है, तो दिक्कत कहाँ पर आ रही है आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो जो आपका फ़ोन है जिसमें आपने वाईफाई ऑन किया है, जिसमें आप नेट चलाना चाहते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें 7.0 टेम्परेरी फोन आ रहा है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत इधर से है जहाँ जिसका आपने हॉटस्पॉट ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, तो एक बार फिर से आपको फॉरगेट करके भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये आ रहा है, आप देख सकते हो सही है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, पासवर्ड मांगेगा, और जहाँ पर हम इसको एक बार पासवर्ड देके देख लेते हैं, तो ठीक है पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड देने के बाद आपके पास ये ऑप्शन जो है वो आ रहा है, आप देख सकते हो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसको छोड़ देते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत इधर है जिसमें आपने हॉटस्पॉट ऑन किया हुआ है। तो चलिए इसका अब हम हॉटस्पॉट ऑन कर लेते हैं, इधर देख लेते हैं कहाँ पर दिक्कत जो है वो आ रही है। तो अदर वायरलेस कनेक्शन क्लिक करेंगे, उसके बाद हॉटस्पॉट पर। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सिंपल आपको कुछ नहीं करना, इसका जो पासवर्ड है ना इसको आपने चेंज कर देना है, ठीक है। पासवर्ड को आपने चेंज कर देना है, पहले मैंने 1 से लेकर 8 तक लगाया था, अब 8 से लेकर 1 तक इसको मैं लगा दूंगा, ठीक है। आप देख सकते हो तो सेव कर देंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे फ़ोन के ऊपर, लाइव कर रहे हैं आपके सामने दोस्तों, कोई एडिटिंग नहीं है, आप देख सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से हम इसको क्या करेंगे, फॉरगेट कर देंगे। फॉरवर्ड करने के बाद यहाँ पर आ गया, आप देख सकते हो जहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम पासवर्ड इसका जो है वो डाल देंगे जो हमने अभी डाला है उधर। तो कनेक्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं जो सक्सेसफुली जो है कनेक्ट हो चुका है हमारा जो उसका हॉटस्पॉट वाईफाई था, इसके साथ जो है बिल्कुल सही से कनेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हो ऊपर जो है इसका लोगो भी आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।